जिसमें हम कोरोना से जुड़ी हुई हर जानकारी और अपडेट आपको देंगे देश तक में, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही सुनाएंगे घाटी में सुरक्षा बलों की 7वीं कामयाबी की पूरी दास्तान। ये भी बताएंगे लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद चालू हुई फैक्ट्रियों में कहां कहां हुआ है हादसा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कोरोना मीटर पर, जिसकी रफ्तार कहीं धीमी पड़ने लगी है तो कहीं सरपट दौड़ रही है। ये बड़ा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 52,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। 52,952 केस अब तक देश में कुल कोरोना के, जो अपने आप में चिंता का सबब। 52,000 का आंकड़ा पार करना और इसमें 1,783 लोगों की जान चली गई है, ये अपने आप में परेशानी का सबब। जबकि 15,267 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। कम से कम उम्मीद जगाती हुई ये तस्वीर, ये बड़ा आंकड़ा कि 15,000 से ज्यादा लोगों को ठीक किए जाने में भी कामयाबी मिली है, जबकि एक्टिव केस 35,000 से ज्यादा हैं। और अब अलग अलग राज्यों के लिहाज से हम आपको बताएंगे कि आखिर राज्यों की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है कोरोना के मामले में। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। चलिए आंकड़ों के जरिए बात करते हैं देश के उन 10 राज्यों की जहां कोरोना से सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। एक एक करके वो आंकड़े बड़ी स्क्रीन पे मैं चाहूंगी ये आंकड़े मुझे दिए जाएं। महाराष्ट्र का आंकड़ा सबसे पहले नंबर 1 पर आप देख रहे हैं कि वहां पर संक्रमित लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है, और यही भयावह तस्वीर इस वक्त पेश कर रही है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 राज्य सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान है इस बढ़ते हुए आंकड़े की वजह से। और उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि संक्रमित लोगों की तादाद क्या है, कितनी मौतें हुई हैं। हालांकि इलाज के बाद बड़ी तादाद में लोगों को ठीक किए जाने में भी कामयाबी मिली है, ये कम से कम अपने आप में अच्छी खबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का भी आंकड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये जो 10 राज्य हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, क्रमबद्धता के लिहाज से सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए बना हुआ है। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखिए। पंजाब में 1,516 मरीज हैं, 27 मौतें हुई हैं, 135 ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 1,656 मरीज हैं, 144 मौतें हुई हैं, 364 लोग ठीक हुए हैं। तो राज्यों के हिसाब से हमने आपको दिखाया कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है इन अलग अलग राज्यों में। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं वो आंकड़े जो हिंदुस्तान को परेशान करने वाले हैं। पिछले 3 दिन में ही देश में कोरोना के आंकड़ों में 10,000 से ज्यादा का उछाल हुआ है। 1 अप्रैल को जहां सिर्फ 24 घंटे में 437 नए मरीज सामने आए थे, अब वहीं हर रोज 3,500 से ज्यादा, 3,500 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में भयावह तस्वीर को पेश करता है। भारत में कोरोना वायरस ट्रैकर इस वक्त क्या कहता है, उसका ये बड़ा आंकड़ा हमने आपको दिखाया। और जाहिर तौर पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद अगर इस तरह से संक्रमण के बढ़ते मामले, वो हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।